हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और पूछा था कि तुम अच्छी हो? हम सब भी बहुत अच्छे हैं। देखो मम्मी मेरे पास ही लेके आई। तो ऐसे तैयार होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पढ़ने से तो ऐसे तैयार हो जाना चाहिए गाइस। आप लोग भी धोते होंगे। मुझे तेरे बात करी नहीं है। मेरे पास ले बाइक दिखा। अपने बाइक पर बाइक देख लो। बाइक का बता कितना बड़ा करतूत करा है कल। गाइस ये मुझे जंगल का रास्ते ले गया। मैं ले गई थी इसको अच्छे रास्ते से दिल्ली से, और ये मैं मुझे जमुना के किनारे से लेके आया है, और पेट में अभी तक धचकी करके इतना बुरी रास्ते से लेके आया है। ये इतना कंजर हो गया गाइस, ये पढ़ेगा लिखेगा क्या करेगा बता। मैं इसके लिए परेशान हो रही, मैं इतना दुखी हो रखी एक माँ, लाचार माँ, कि मेरा बेटा का भविष्य बन जाए, जिंदगी सुधर जाए, मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, लाइफ में अच्छा करे, मुझे बुढ़ापे में दो रोटी कमा के खिलेगा। ये क्या खिलाएगा ये देखो, बेटा कबाड़ी ले कबाड़ी वाला बनेगा। ये इतना गंदा कबाड़ी वाला, ये मैप लगा लिया। कभी जिंदगी में मैप से कभी मत जाना कहीं भी। ये मैप लगा के जंगल में लेके गया था, पहाड़ियों में ले गया था, पहाड़ियों के मम्मी को दर्शन करवाए। किसको दिखा रही है? पता नहीं, पहाड़ियों के दर्शन नहीं गाइस। ये क्या तेरा आठवीं का मार्क्स मिला? आरती जब से वही ढूंढ रही है गाइस, और मिल गया गाइस। पता है क्या हुआ? ये सुबह से इसको बोल रखा है कि तू अपना मार्क्स ढूंढ ले, पर नहीं ढूंढा। और अब मैं देखो एक बार कितना सारा तामझाम लेके बैठी हूँ, तब से ही मार्कशीट ढूंढ रही हूँ गाइस। मैं इतनी परेशान हो गई, ये मार्कशीट ढूंढ रही है। और इसके बिल्कुल भी बस की नहीं है कि मार्कशीट ढूंढे, और खुद घूम रहा है इधर से उधर। उसको पता है माँ बहन कर ही देगा हमारा। तो फाइनली गाइस मम्मी अब बिल्कुल लाइन लगा रही है। लाली आ जाना, ये देखो आ गया। करना धरना कुछ नहीं, आ गया थरिया में लेकर खाना। चपाती देना एक है, चपाती जैसा मुँह है। चपाती खाएगा तू? चपाती आ गया बस। ये देखो गाइस खाना है, सब्जी चावल, और ये बेचारा चाय भी लेके आया। ये देखो इतना दुखी कर रखा मुझे गाइस, इतना दुखी। आप लोगों का भी औलाद करते हैं इतना दुखी? मुझे जरूर कमेंट में बताना। इतना परेशान कर रखा इस लड़के ने इतना। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बेटा का लाइफ बन जाए, बढ़िया हो जाए, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए, जिंदगी में कुछ अच्छा करे। आरती पूजा तो नहीं करी, इसका तो कोई उम्मीद नहीं है। आरती चलो पार्लर कर रही है, पूजा जॉब करती है, मगर इस लड़के के बारे में इतना सोच रही हूँ। उसकी रोटी देना है, उसकी रोटी बनता है। मुझे गर्मी लग रही है गाइस। कभी आप अपने भाई की टी शर्ट पहने हो, बट मैं आज पहनूंगी। आ जा पहन ले। सी गाइस वीडियो बनाई थी गाइस, बहुत वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पर, और अब फाइनली वीडियोस बन गई है। ये भी कोई कहने की बात है? अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। क्या 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 करने? मम्मी ने बोला फेस वॉश करने, बोला फेस कास करने। तुम सब तो बात ही मत करो मेरे से, फेस कास करने। आप लोग आज बहुत सारे ना ऐसे ऐसे कमेंट कर देना जो कभी जिंदगी में ये ऐसा काम ना करे। शर्म नहीं है माई बहन करे कुटान पिसान। अब बेटा का नाम दुर्गा दास, बेटी का नाम दुर्गी दास। दुर्गी दास, दुर्गा दास, तेरे नाम कबाड़ी दास। हाँ बेटा का नाम दुर्गा दास होना चाहिए। दुर्गा दास तो फिर भी अच्छा था, और कम से कम अपने माँ बाप को केयर तो करता। तो मुझे तो लगता नहीं है कि तुम मुझे केयर करोगे, चाहे मुझे तुम कमा के खिलाओगे। मैं खिलाऊंगी, थोड़ा सा कुछ काम कर ले, मैं खिलाऊंगी कमा के। तुम भी अपने पति के साथ अपने घर चली जाओगी, ठीक है? उसके बाद मेरा ही है मम्मी, देख ले आरती। वो तो जाना ही है, पूरा प्लान बना रखी है जाने का। देख लो, देख लो साई के घर जाएगी। चपाती देना एक। मैं तो बोल रहा अच्छा नहीं लग रहा बीच में, नहीं बोलते तो रंग का तो बेकार बातें मत कर। तो गाइस एक ना एक दिन सब बेटियों को पराया हो जाना है। मतलब पूरा मन बना रखी है। अरे नहीं मम्मी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी गाइस, ऐसा कुछ नहीं। मैं मजाक कर रही थी, और आपको तो पता है मैं मजाक कभी करती नहीं हूँ। आज मैंने मजाक कर दिया, तो इसे जोक में लेना, इसे जोक में लेना, और ऐसा कुछ मत सोचना। मैं ऐसी मजाक करती रहती हूँ, मेरा मतलब कि मजाक मजाक निकल। नहीं गाइस बहुत वीडियो बनाई है गाइस, देखो मुंह पे कितना पसीना आ रहा है, और मेरा फेस गाइस। कौन से स्पेशल वो सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहोगे? फोन पे देख, फोन पे देखिए, फोन पे देख कौन सा
एक सब्सक्राइबर का स्वीट सब्सक्राइबर का नाम जिसने सबसे अच्छा कमेंट किया। तो गाइज हम लेना चाहेंगे सबसे स्वीट और सबसे अच्छे सब्सक्राइबर का नाम जिसने हमारी हर वीडियो पे अच्छे कमेंट किए। हेलो तो आईफोन में देखती ना? नहीं इसमें ही देखती। आईफोन में वो नहीं बन रहा है? हाँ अच्छा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं किसने अच्छे कमेंट किए हैं। ये जो हमने अभी वीडियोस डाली थी उसमें अमेजिंग नॉलेज फॉर एवर ने बोला, हेलो आंटी डोंट वरी, स्कूल से दूसरी मार्कशीट मिल जाएगी। बेटा ऐसे क्यों बोलते हो? ये कम से कम इतना तो शर्म रखे ना, दो चीज संभाल के रखना बेटा, टेंथ का और ट्वेल्थ का। बेटा दो तो संभाल के रखना, और कोई काम नहीं करता घर पे, खाना खाता है पबजी खेलता है। माँ जाएगी कॉलेज में, नाम लिखवाएगी माँ। कल पूरे दिन घूमी हूँ कॉलेज में, पेट में हाथ में अभी तक दर्द हो रहा है मेरे पेट पूरे में। टाइम फोन में लगा रहता है, शरम नाम की चीज़ पता नहीं क्या दिखता है सब फोन में। मीरा, मीरा ये हमारे वीडियोस में हमेशा अच्छे कमेंट करती है। ये बोल रही है आंटी मिस यू, मुझे आपके साथ रहना है आपके साथ रहना है, यू बोल रही है। मीरा कम हमारे घर में औलाद है, आप भी आ जाओ बेटा, हम आपको दिल में। आप लोग बहुत अच्छे लगते हो बेटा। अच्छे तो लगते हैं, इतना दुखी कर रखे इन औलादों ने हद से ज्यादा। मुझे ये लगता कभी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा ये लोग तो संभाल लेगी, ये भी मैडम खुद को संभाल लेगी, इतना तो पता है मुझे। और वो तो संभाल ही रही है, इसका क्या होगा? इसका शादी हुई तो कहती शादी करूंगी, मैं ना करूंगी, किसी कह रही है ना। अगर मुझे कल का कुछ हो जाता है चुप रहेगी, कह रही थी शादी करूंगी, चुप रहेगी। मुझे कुछ हो जाता है तो इसका क्या होगा बताओ, इतना बड़ा हो गया है। तो रंगबाजी में जाएगी क्या? हाँ रंगबाजी में ही जाएगी, रंगबाजी में मतलब मेरे ये भी गाइस ये भी इतना होशियार हो गई है, ये भी खुद को संभाल सकती है। और वो बेटी तो मेरी ऑलरेडी पैरों पे खड़ी है, पार्लर है गाइस। मुझे ये लगता है इसका क्या होगा, मैं तो किसी को पार्लर में भटकने नहीं दूंगी। देख लो बोल। हाँ तू बता क्या बताने वाली थी, बताओ। गाइस मैं ऐसा कुछ नहीं बोली थी, मेरा कोई इरादा नहीं शादी करने का, बस ऐसे ही बोल रही थी मजाक में। शादी वाली बात नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि बेटी मेरी दोनों पर लिख ली है, कमाने लगी है, दोनों पैरों पे खड़ी है, इसका क्या होगा इस निकम्मा का? ये तो एक टेंथ का ट्वेल्थ का मार्कशीट भी संभाल के नहीं रखा, क्या संभालेगा? इसका क्या होगा? इसकी तो लुगाई छोड़ के भाग जाएगी इसे, चप्पल से और मारेगी चप्पल से, जूता चप्पल चमड़े की चप्पल खींच खींच के। बोला जो हमें हमारे घर में जो कोई बेटी देगा, तेरे लिए बेटी कोई भी देगा तो तू क्या कैसे रखेगा? फोटो है, इधर आओ ना, इधर आओ, उधर ही घूम। पहले कुछ जरूरी बात करी, बता कैसे रखेगा उसको? जो आपके लिए कोई बेटी देगा हमारे घर में आपके लिए, रुक जा एक मिनट, कैसे रखोगे उसको आप? कैसे रखोगे? क्या खिलाओगे उसको? माँ के टुकड़ों पे पिलाओगे, बाप के टुकड़े पे, बहन के टुकड़े पे पलाओगे? पास्ता खा के रहेगी वो जिंदगी भर? जिंदगी भर पास्ता मैगी में रहेगी वो? अब बाढ़ भी हो गया आपका, आप कुछ करोगे, अपने पैरों पे खड़े होगे, कुछ करोगे कि माँ बहन कमा के खिलाती रहेगी, बाप खिलाता रहेगा? बचपन से सो कैसे रखोगे? शादी वादी नहीं करनी है तो पूरे जिंदगी भर अनमैरिड ही रहेगा बेटा। हम ना कर रहे तेरी शादी वादी, क्योंकि जिसके घर से बेटी लाऊंगी उसका तो जिंदगी बर्बाद कर देगा पास्ता खिला के। सुन लो यूट्यूब में जितने भी इसके पीछे किधर है, कोई मत करना यूट्यूब पे। हाँ इसकी जिंदगी नहीं है। अब बताओ गाइस ये किसकी फोटो है, देखो पहचानो ये किसकी पिक है। बस बढ़िया लग रही, किसकी हो सकती है ये? मेरी, आरती की, लाली की, मोनू की, इधर है ना, मेरी है गाइस। मैं ऐसी थी, ये लोगों ने खून चूस के मेरी ऐसी हालत कर रखी है, देखो पानी बन गया मेरा खून भी, इतना चिलवाती है भगवान। और ये लाली आज नहा के आ गई, फाइनली आज नहा ली। कुछ भी क्यों नहाती नहीं थी क्या वो?
गाइस मैंने अपने भाई की टी शर्ट पहनी है, कभी आपने अपने भाई की टी शर्ट पहनी है तो कमेंट में बताना। मेरा भाई मतलब साफ सुथरा था तो भाई का पहन लिया, और भाई के सामने भाई की तारीफ हो रही है। मैं तारीफ नहीं करती अपने भाई की। गाइस मेरा फेस ज्यादा ग्लो मार रहा है ना, और लगा ले फाउंडेशन। कुछ भी लो, पसीना है सारा। चम्मच ले रहे इसके फाउंडेशन मुंह से निकालू ले। चम्मच बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाई। चाकू ले, निकालो आ जाओ, निकालो ले चाकू। चम्मच ला इसके मुंह से छिल के निकालूंगी। ला देखो गाइस, बाप रे फाउंडेशन नहीं आया है। नहीं आया, पसीना आ गया गाइस। नेचुरली हूँ मैं, नेचुरली। तो गाइस आप भी बताना, नेचुरली हूँ ना मैं। कितनी गर्मी हो रही है गाइस, क्या बताऊँ, इतना परेशानी है। एसी वाले ने इतना पागल बना गया, औलाद तो बना ही रहे। एसी वाले भी 3,000 रुपया लेके चला गया, गैस भी नहीं डाला। 3 दिन के लिए गैस डाला था, गैस ही निकल गया। मैं बता रही बहुत दुखी हूँ गाइस। आप लोग अपने घर ले चलो मुझे, मैं एक ही रोटी खाती हूँ। इन औलादों से छुटकारा दिलवा दो। कितना खाती, 10-12? बेइज्जती कर दी माँ की। मम्मी मैं ये खोल रही हूँ, आप मेरे को मत दिखाना प्लीज। दिख रही है शीशे में? शीशे में से दिख रही है। अरे मम्मी नहीं दिख रही ना भाई। मेरी पैंट भी अच्छी लग रही मुन्ना जी। इसी की टेंशन है मुझे ज्यादा, और ना काई की टेंशन। यही लगा जिंदगी में, पता ना क्या करेगा ये। आज के बाद कभी जिंदगी में इसके साथ नहीं जाऊंगी, कहीं अकेले चली जाऊंगी। तो मम्मी आपको पहाड़ों में लेके गया? पहाड़ों में, जमुना किनारे लेके गया था धचकी में। नाप करवा दिया, पेट में नाप चढ़ गई है मेरे कल से। ठीक है गाइस, जा रही हूँ फिर मम्मी दूसरे घर। क्यों, इस घर में क्या परेशानी है? एक मिनट के लिए गाइस इस घर में रुकने नहीं देती है पूजा। मैं चलूंगा मम्मी। एक मिनट के लिए भी रुकने नहीं देती इस घर में पूजा। कहती मम्मी वही घर पे जाओ आप। नहीं गाइस मैं बोलती हूँ पूरे दिन रहो। इन लोगों के बड़े बड़े शौक है तो वो मैं पूरा नहीं कर सकती गाइस। इतना छोटा सा दिल है मेरा, इसलिए गाइस मैं मम्मी को बोलती हूँ यहाँ रह लो। रहती नहीं है, बोलती वहाँ अच्छा लगता है मुझे। झूठ कम बोला कर। अभी गाइस के सामने वो आया था रिवील। गाइस इसलिए अच्छा नहीं लगता मेरे घर के, इस घर के बारे में कोई बुराई करे। वाह, मेरी मम्मी भी बुराई करे। अरे क्योंकि हमारा ये पहला घर है गाइस, इसी से तो वो घर हुआ। हाँ मम्मी बोलती है यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी रहती है उस घर के मुकाबले। अब क्या करे गाइस, है तो अपना ही नाम। गाइज पता है क्या, फाइनली चलो मोनू का मार्कशीट तो मिल गया है, कॉलेज वाले को भेज दिए। अब देखते हैं कल जाऊंगी कॉलेज, मोनू का नाम लिख गया कॉलेज में। अरे फोन हटाओ ना। उसी की बात है कि चलो नाम लिखवा दिए इसका। अरे राशन कब से मिलेगा उनको, अभी देखते हैं। उसके बाद गाइज चलो इसी के साथ वीडियो एंड कर रहे हैं हम। आप लोग ढेर सारा कमेंट करना, ज्यादा करके मोनू के लिए बहुत ज्यादा कमेंट करना आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। 16-17-18 साल का हो गया और अभी अक्ल नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी। 17-18 ही है, बना दी मैं तुझे। ठीक है गाइस चलो ठीक है एंड कर रहे हैं वीडियो। आप लोग कमेंट ढेर सारा करना, बहुत सारा प्यार देना, और सब अपने अपने राय लिख के जरूर भेजना। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, बाय रखते बाय, जय श्री श्याम। एंड कर रही हूँ वीडियो। कुछ बोलना है तुम लोगों को? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जिसको अपना नाम ब्लॉग में लगवाना हो वो प्लीज कमेंट करें। इस ब्लॉग में जिसका नाम था उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। ठीक है चलो ठीक है, ओके बाय। लगवाना हो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।